हरी सर, थैंक यू पवन सर, हरी सर, थैंक यू बोब सर, जो ऐसी लाइफ जीने का मौका मिला है। सच में कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ लाइफ में होगा, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और तो मेरे स्टोरी में मैंने देखा था कि सबसे पहले 800 रुपए से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और इतनी, मैं अब क्या बताऊं आपको, इतनी खराब कंडीशन थी घर की, इतने हालात खराब थे कि जब जिम्मेदारियां घर पर आई, मेरे ऊपर आई घर की, उस टाइम पर 17 लाख रुपए का कर्ज था। और आज लगता है कि लाइफ ऐसी चेंज हुई है, इतनी परेशानियां थी, इतने दुख थे कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि हमें क्यों नहीं लाइफ में एक अच्छी नौकरी मिली, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि इतना बड़ा कर्ज हुआ। एक रात तो ऐसी थी कि घर में किसी ने खाना तक नहीं खाया था, किसी को खाना मिला ही नहीं था, खाना खाने मिला ही नहीं था, ऐसी कंडीशन हुई थी कि उस रात मेरे फादर, मेरी मदर और मैं तीनों, ऐसी कंडीशन हुई कि हमें डर था कि कहीं मेरे फादर सुसाइड ना कर लें, मुझे मेरे फादर को डर था कि कहीं मेरी मदर सुसाइड ना कर लें, और मेरी मदर को ये डर था कि कहीं मेरा बेटा सुसाइड ना कर ले। हालात इतने खराब थे, इतनी इतनी गंदी कंडीशन से उभरे हैं, नौकरी भगवान ने अच्छी दी नहीं, लेकिन एक ट्रस्ट था, एक विश्वास था कि भगवान कुछ अच्छा करेगा, भगवान कुछ अच्छा करेगा, और करते चले गए, नौकरी स्टार्ट की, धीरे धीरे जर्नी लाइफ की स्टार्ट हुई। फिर एक दिन, जैसे बताया, मैं थैंक यू करता हूँ बार बार पवन जी का, जिन्होंने सच में मेरी लाइफ को 100% चेंज किया। और जब मैं, हाँ बिल्कुल, इन्होंने जब मुझे मैसेज के बारे में बताया, और ये हमेशा कहते थे कि अमित यार तू इतनी जॉब करता है, तेरी लाइफ कैसी है सोच, और तू वेस्ट मेरे साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, और इन्होंने मुझे वेस्टिस के बारे में बताया। जब मैंने वेस्टिस को स्टार्ट किया, बड़ी तकलीफें आई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, कैसे काम होता है, मैं तो जॉब करने वाला इंसान था और गांव से एक साधारण लड़का जिसकी एजुकेशन भी जीरो, जीरो मतलब कि ग्रेजुएशन भी किस्तों में पास की थी, जिसको कुछ पता ही नहीं था। आज तक भी, अपने पिछले 4-5 महीने पहले तक भी मैं गाँव में ही रहता था। जब इन्होंने मुझे बताया, और बड़ी टफ सी उनके साथ आए थे, ऐसा लगता था कि यार हमारे साथ तो कुछ होगा ही नहीं, पवन जी तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक विश्वास दिया कि अमित बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कर। और जब इसके अंदर आए, करना स्टार्ट किया, लोगों के पास गए, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं बताया वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन आपके साथ भी आएंगे। जब मैं आया, मैं लोगों के पास जाता, जो लोग कहते थे ना कि हम तेरे दोस्त हैं, चिंता ना कर, तेरे साथ खड़े होंगे, मैं आप सबको फिर ये बता रहा हूँ कि बुरे वक्त में अपने और परायों का पता लग जाता है। किसी ने भी साथ नहीं दिया था, करते करते सबसे पहले मेरी सिस्टर, जिन्होंने मेरे ऊपर दया की थी कि हाँ चल भाई आया तो इसका सामान तो ले लेते हैं, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कंटिन्यू करता गया। मेरे अप्लाई ने जैसे बोला, हाँ मैं एक चीज़ का पक्षधर हूँ, 100% बिलीवर हूँ, मैं क्रिएटर नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन मैं 100% फॉलोवर हूं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मानता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप अच्छे फॉलोवर भी हैं तो भी आप यहां से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जैसे मेरे अप्लाई ने मुझे बताया, जैसे सिस्टम ने मुझे बताया, जैसे वैसे का सिस्टम मुझे कहता चला गया, मैं वैसे ही करता चला गया। दोस्तों, मैंने कभी आज तक एक भी ट्रेनिंग और मीटिंग मिस नहीं की। आज तक जो मेरे अप्लाई ने मुझे कहा, जो मेरे अप्लाई ने मुझे बोल दिया, मैंने आज तक कभी उसको मोड़ा नहीं है। मैं 100% में फिर कह रहा हूं, मैं 100% फॉलोवर हूं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर आपके माँ बाप के अलावा अगर कोई आपके बारे में सबसे अच्छा सोच सकता है तो वो है आपके अपलाइन। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन का इज्जत करिए, उनकी बातें मानिए, वही एक ऐसे शख्स है जो हमेशा आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं। जिस तरीके से फिर भगवान ने थोड़े से अच्छे दिन स्टार्ट हुए, आज कई दिन पहले मेरी वाइफ मुझे कहती है कि आप किसी को मना नहीं करते पैसे देते वक्त, आप किसी को कुछ कोई पैसे मांगता है आप मना नहीं करते। मैं उनको कह रहा था कि जब एक बुरा वक्त था ना, जब मैं लोगों से एक पैसा भी मांगता था, और खासकर अपने दौरों से, कोई पैसा देने वाला नहीं था। मुझे पता है पैसे मांगने वाला किस कंडीशन में पैसा मांगता होगा, इसलिए आज मैं मना नहीं करता। और आपसे भी एक सलाह दूंगा दोस्तों, कभी भी किसी को किसी चीज के लिए मना मत करना, भगवान आपको देख रहा है। अगर आप लोगों की सहायता करते हैं तो भगवान आपकी सहायता करता है। और
और थैंक्स गॉड, थैंक्स माली सर, इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतना अच्छा बिजनेस हम सबको दिया है, जहां हम पैदा ही, हम लकी, हम सब लकी है कि भगवान ने हमें इस इंडस्ट्री में पैदा किया है, हम ये इंडस्ट्री में दी है, ये वेस्टेज में हमें लकीली नहीं मिली है, ये भगवान की साजिश है, क्योंकि आपके हाथों भगवान दूसरों की जिंदगियां बनाना चाहते हैं, आपके हाथों लोगों की सहायता करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने आपको वेस्टेज के अंदर लेकर आए हैं। तो थैंक्स करते हैं हम अपने अपलाइन का, एजुकेशन सिस्टम का, बाली सर का, सबका हमें थैंक करना चाहिए 7 महीने में। दूसरी बात, थोड़ा सा जीती मैं भी हूं, जब टीम चैंपियन के साथ जब जर्नी स्टार्ट की वेस्टेज में आए तो मेरी भी एक जिद थी कि टीम चैंपियन की सबसे पहली गाड़ी लूंगा तो अमित मलिक लेगा, और 7 महीने के बाद सबसे पहली गाड़ी महिंद्रा Q500 मैंने ले थे। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जीती बढ़िए दोस्तों, जीती अपने आप के लिए, जो आप बोल दो उसे करके दिखाओ। और 1 साल के बाद मेरा महीने का चेक था 1,11,117 रुपए, 2 साल के बाद 2,19,429 रुपए, और 3 साल के बाद 4,25,000 रुपए, और मेरा आज लगभग 4,70,000 रुपए का महीने का चेक मैं यहां से कमाता हूं दोस्तों। टोटली जिंदगी चेंज हुई है, सिर्फ उसका रीजन है। पवन मलिक सर हमेशा एक बात बताते हैं कि दोस्तों इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे, और आप भी तैयार है तो मैं बताऊं, सिर में बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, ये 3 काम कर लेना, दुनिया की कोई ताकत आपको वेस्टेज में सफल होने से नहीं रोक सकती, माय डियर फ्रेंड, सफल होने से नहीं रोक सकते। थैंक यू, विश यू वेल्थ।